नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंशुल आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सेना की हलचल बढ़ी है। अनंतनाग में सेना और पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। मौके पर डीजीपी, एडीजी, जेओसी मुस्तैद हैं। अनंतनाग के जंगलों में आतंकियों पर ड्रोन से बमबारी जारी है। अनंतनाग में पिछले 55 घंटे से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे पहाड़ी क्षेत्र को घेरा है और ड्रोन से बमबारी की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम उच्च अधिकारी मोर्चा संभालने के लिए पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि मंगलवार को ही आतंकियों ने हमला किया था और 4 दिन से ये मुठभेड़ जारी है और ऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। जबरदस्त जोरदार धमाके हो रहे हैं, जोरदार धमाके हो रहे हैं। इसी स्पॉट को लगातार टारगेट किया जा रहा है, इसी स्पॉट को लगातार टारगेट। तमाम जानकारी के साथ आसिफ सुहाब हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। आसिफ, तस्वीरें देख रहे हैं, ड्रोन से अब ये ऑपरेशन किया जा रहा है और तमाम उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं। जानना ये चाहेंगे कैसे ऑपरेशन चल रहा है आतंकियों के खात्मे के लिए। देखिए, बिल्कुल, जो पूरा इलाका है यहाँ पर गडोल जंगलों का, इसे फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर रखा है, खासतौर पर उस पोर्शन को जहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी और जहाँ अब संदिग्ध आतंकियों को देखा जा रहा है। यहाँ जो है सेना द्वारा कल से ही स्नाइपर डॉग्स के अलावा ड्रोन कैमरा, हेलीकॉप्टर सर्विलेंस और दूसरे तरह के जो जितने भी लेटेस्ट गैजेट्स फोर्सेस के पास है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है मिलिटेंटों को जल्द से जल्द ट्रैक करने के लिए। और इसी बीच जो सेना के यहाँ पर जीओसी 15 कॉर्प्स से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, ये सारे भी यहाँ पर खुद पहुंच चुके हैं और खुद ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक जो है कम से कम 3 हाइड आउट जो है यहाँ पर मिलिटेंटों के तबाह कर दिए गए हैं, उन्हें धमाकों से उड़ा दिया गया है। अभी भी हम जो है यहाँ पर धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुन रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर छुपे हुए आतंकी हैं इनका खात्मा किया जाएगा। जी बिल्कुल आसिफ, और ऑपरेशन आप देख रहे हैं कि लगातार चरम पर है। आसिफ, ये भी जानना चाहेंगे अभी तक क्या खबर आ रही है, कितने आतंकी वहां छिपे हुए हैं, क्योंकि आप ये समझिए पिछले 4 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी है और जो जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत को पूरा देश नहीं भुला पाएगा। जी देखिए, जो फोर्सेज से हमें जानकारी दी गई है उसके अनुसार 2 मिलिटेंटों को कल फोर्सेज ने यहाँ पर घेरा था जिनके साथ मुठभेड़ भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद कल देर शाम अंधेरे के कारण ऑपरेशन को रोकना पड़ा था और आज सुबह की पहली किरण के साथ ही हालांकि ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया था, लेकिन उसके कई घंटों बाद करीब दोपहर को यहाँ पर दोबारा से फायरिंग की आवाजें आने लगी और धमाके हम खुद भी देख पा रहे हैं कि पहाड़ी पर किस प्रकार से धमाके हो रहे हैं, आग निकल रही है। तो जाहिर सी बात है कि 2 से भी ज्यादा जो है आशंका जताई जा रही है कि इस इलाके में मिलिटेंट हो सकते हैं। हालांकि 2 जिनके बारे में पुलिस ने जानकारी दी थी उसमें बताया गया था लश्कर ए तैयबा का स्थानीय कमांडर उजैर खान भी मौजूद है और उसके बारे में ये भी खबर है कि वो फॉरेन पाकिस्तानी मिलिटेंटों के साथ ऑपरेट करता है। तो इस वजह से ये आशंका है कि शायद यहाँ पर और 2 या उससे ज्यादा फॉरेन पाकिस्तानी मिलिटेंट भी हो सकते हैं और यही कारण है कि फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेर कर मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी तक फोर्सेज को किसी भी मिलिटेंट को मारने में कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।